के अनुरूप नहीं लिया और उसको आयुर्वेद का एक रूटीन डिपार्टमेंट बनाकर ही छोड़ दिया। दुर्भाग्य से डॉक्टर जे एन शर्मा का भी स्वर्गवास हो गया और वो सपना हमारा उस तरीके से कारगर सिद्ध नहीं हो पाया जिस सपने को लेकर वो इंस्टीट्यूशन का की स्थापना हुई थी। उस इंस्टीट्यूशन के कामों के बारे में आज विस्तार से बात करने का शायद ये समय नहीं है। मैं जानता हूं कि उसी 90 के दशक में एक और महत्वपूर्ण घटना को मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, जब मैंने देखा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के साउथ ईस्ट एशिया रीजन के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर वुटोन रफाई, जो कि स्वयं मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर थे, इंडोनेशियन थे, वो भी आज हमारे बीच में नहीं हैं और लंबे समय तक, एक दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक वो यहाँ पर रीजनल डायरेक्टर रहे। इसके बारे में भी डॉक्टर पॉल अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन उन्होंने अपने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकाल का जो अंतिम एक वर्ष है, उस सारे समय को एक किताब लिखने पर डेडिकेट किया और जो कि एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में आज विश्व स्वास्थ्य संगठन में उपलब्ध है कि रोल ऑफ आयुर्वेदा फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इट वॉज नॉट फ्रॉम एन ऑर्डनरी पर्सन, इट वॉज फ्रॉम ए डॉक्टर ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन हु वॉज हेडिंग वन ऑफ द सिक्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन ए डिकेड। और उस इतने लंबे कार्यकाल में उनको इस बात की अनुभूति हुई कि आयुर्वेदा का दुनिया के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। हम सब जानते हैं कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन, उसकी अपनी ताकत है, उसने आधुनिक तरीके से बहुत सारे उपचार और बहुत सारी शल्य चिकित्सा और बहुत सारी चीज़ें लोगों के लिए उपलब्ध कराई हैं जिसके कारण लोगों का जीवन बेहतर हुआ है। लेकिन आयुर्वेदा हमारा देश का प्राचीन ज्ञान है और हम सब जानते हैं कि ये शायद दुनिया में सबसे पुराना ज्ञान है। इसका उल्लेख हम सब जानते हैं कि वेदों में है और जैसा कि हम सब जानते हैं, लोग कहते हैं कि अथर्ववेद का इसको ऑफशूट माना जा सकता है, अगर ये कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं है। और मैं अक्सर एक किताब जो मैंने पढ़ी है उसका ऐसे अवसरों पर ज़रूर उल्लेख करता हूँ। इस किताब को 1906 के अंदर एक हरबिलास सारदा जी नाम के व्यक्ति ने लिखा था। इस किताब का शीर्षक था हिंदू सुपीरियॉरिटी और इसमें अलग अलग चैप्टर्स हैं हर विषय के ऊपर और उसमें विदेशी लोगों ने जो भारत की जो प्राचीन, जो भारत का गौरवशाली अतीत है, उसके संदर्भ में केवल विदेशियों ने जो कहा है उसको ही उन्होंने कोट किया है। और उस किताब के अंदर जहाँ मेडिसिन का चैप्टर आता है तो वहाँ हमारे इस भारत के प्राचीन आयुर्वेद के ज्ञान के बारे में इसको उन्होंने हिंदू मेडिसिन की तरह डिस्क्राइब किया और उन्होंने कहा कि इसके अंदर जितनी ताकत थी, जितना इसका जो ज्ञान था, इसको 9वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफा ने अरेबिक भाषाओं के अंदर ट्रांसलेट किया और 17वीं शताब्दी के अंदर इसको यूरोपियन लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया। यानी इस आयुर्वेद के बारे में ये केवल हमारा है इसलिए हम इसको बड़ा मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये वास्तव में ये भारत का, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ज्ञान है और ये पूरी तरह से इतने वर्ष देश जो उसने अपने अनेक प्रकार की गुलामी के अंदर